आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खालसा इलेक्ट्रिकल्स में। मैं हूं मंत। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है हाउस वायरिंग टूल्स के ऊपर। तो मेरे हाथ में है दो टूल और ये दोनों टूल बहुत ही यूज़फुल टूल हैं और इन टूल्स का काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं। और ये जो टूल जो मैं लेके आया हूँ, ये कारपेंटर हो गए, सीलिंग वाले हो गए, एल्युमिनियम वाले हो गए, टाइल्स वाले हो गए, हर कोई इस टूल्स का यूज़ कर सकता है और बहुत ही यूज़फुल टूल है, काफ़ी हेल्प करता है, हेल्पफुल है। आप देख सकते हो ये है मेरे हाथ में टूल। तो इसका नाम है लेज़र लेबल, यानी कि इसके अंदर है चार फीचर्स। तो चार कौन कौन से फीचर्स हैं, तो वीडियोस को एंड तक जरूर देखना और वीडियोस को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आगे आप देखते देखते भूल जाओगे। और अगर आपको ये टूल्स ख़रीदना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हो। इसके अंदर तीन सेल भी निकलते हैं। अब हम इसको निकालते हैं पॉलीथीन से बाहर। तो चार है इसमें फीचर्स। पहला है लेज़र लेबल, दूसरा इसमें फीता है, तीसरा इसमें स्केल है, चौथा भी लेबल का ही है। तो ये चार फीचर्स हैं एक के अंदर, यानी कि 4-in-1 है। एक के अंदर चार फीचर्स हैं। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको मंगाना भी है तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही यूज़फुल टूल है। तो ये है स्केल का फीचर्स, जो हम सीट बनाने में, कोई कहीं पे लाइनिंग करने में ये हमारे काम आ सकता है। तो ये स्केल हो गया। ओपन फिटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये टूल है, जैसे कि फंटी में यूज़ करना है। फंटी में कैसे यूज़ होगा आगे आपको पता चलेगा। अगर हमको कोई भी चीज़ नापनी है तो इसमें फीता भी है, 3 मीटर फीता है इसमें, और लेबल भी है, लेज़र लेबल भी है। यानी कि चार फीचर्स से चारों में आगे आपको दिखाता हूँ। ये फीते को मैंने ओपन किया, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, बटन दबाओ अंदर आता है। और फीते की क्वालिटी की बात करें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और ये मेरे को यूज़ करते हुए समथिंग काफ़ी टाइम हो गया है, 1-1.5 महीना हो गया, क्योंकि काफ़ी पहले मैंने ये वीडियो शूट करके रख ली थी। तो अब मैंने आपको फीचर्स दिखा लिया, लेज़र लेबल दिखाना रह गया। मैंने आपको ये दिखाता हूँ, ये तो रेड कलर की इसमें लेज़र है। और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे रखा है। और जैसे कि टाइल्स वाले जो हैं, जिनको सीधी टाइल्स लगानी है, कुछ भी करना है, तो इस तरीके से टाइल्स वाले भी यूज़ करते हैं, कारपेंटर भी यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रीशियन भी इसका यूज़ करता है। वो कहाँ पे यूज़ करता है आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये वीडियोस को एंड तक जरूर देखना, आगे आपको पता चलेगा। हम इस तरीके से लेबल का भी यूज़ करते हैं, जो हमारी सीटें होती है, स्विच बोर्ड होते हैं, वो कहीं टेढ़े ना लगे, तो इस तरीके से लेबल रख कर हम सीधा लगाते हैं। और सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इसको ओपन फिटिंग में, केसिंग फंटी में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमको फंटी सीधी करने के लिए पीछे लड़के को भेजते हैं, भाई देख पीछे से सीधा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो बताता है हाँ सीधा दिख रहा है, तब हम फंटी लगाते हैं। नहीं, एक तरीका और भी होता है डोर मारकर सीधी करने का, मगर इन सब में टाइम ख़राब होता है। आप एक लेज़र लेवल खरीद लो और पीछे इसको सेट कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, और एकदम सीधी आप फंटी लगाओगे। कोई भी काम करना है, कुछ भी लगाना है, कोई अलमीरा भी लगानी है, तो इस लेज़र लेवल की मदद से आप बिल्कुल सीधा लगा सकते हो। इसको आप जितना दूर रखोगे उतनी लंबी लाइन होगी। और ये तीन तरीके से इसमें लेज़र का फोकस है, वो तीनों मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो अभी बीच में वॉल थी वो टूट गई, उसके बाद बोर्ड वहाँ पे था वो हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया है, तो वहीं पे फंटी भी यूज़ की गई है। तो देख सकते हो फंटी को लगाने का जो तरीका है, कुछ लोग ड्रिल करके भी लगाते हैं, कहीं पे केसिंग गिट्टी आती है उसकी मदद से यहाँ पे लगाया है, उसको भी लगाते हैं। तो ये लेज़र लेवल है, अब हम इसको रखेंगे यहाँ पे। अब बोर्ड को हम देख रहे हैं टेढ़ा तो नहीं है, ये एकदम सीधा है, देख सकते हो सेंटर में आया है, तो ये सीधा है, हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से कोई भी बोर्ड लगाना है, कोई भी सीनरी लगानी है, कुछ भी लगाना है, हम इस लेज़र लेवल को रख कर एकदम सीधा लगाएंगे। हमको दूसरे बंदे की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमारे हाथ में ये होगा, किसी भी हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेज़र लेवल जब हाथ में है तो पीछे से देखने की सीधा है या टेढ़ा है।
तो ये इसका बेनिफिट है। अगर आपको ये मंगाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं। अभी तो एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट और भी है, तो वीडियोस को एंड तक जरूर देखना। तो आप देख सकते हो एकदम सीधा बोर्ड लगा है और सीधी लाइनिंग हुई है। तो इसमें तीन तरीके का फोकस है, ये माइनस का भी है, डंडे का भी है, और ये प्लस का भी। जितना दूर करोगे इतना ये बड़ा होते जाएगा। तो इसका फोकस अच्छा है, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और ये काफ़ी सारे लोगों ने जब मेरे हाथ में देखा तो उन्होंने भी इसको मंगाया। मैंने वीडियो थोड़ा लेट में शूट किया है इसको, और काफ़ी अच्छा टूल्स है ये। बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कारपेंटर हैं उनके काफ़ी काम आने वाला टूल है। तो एक टूल की बात होगी, दूसरे की बात करते हम। तो काफ़ी सारे लोगों के पास मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर सस्ता क्लैम्पमीटर बताइए जो अच्छा हो और सारे फीचर्स हो। तो देख सकते हो मेरे हाथ में सस्ता क्लैम्पमीटर है और इसको मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। आने वाली कुछ वीडियोस में आप देख भी सकते हो मेरे हाथ में यही क्लैम्पमीटर होगा। तो इस क्लैम्पमीटर में ये सारा कुछ निकला है, लीडे निकली है, ये यूज़र मैनुअल है, इसको मैं रखता हूँ साइड में, सेल भी है। तो देखने में कुछ ऐसा है और इतना छोटा है, आप इसको बड़े आराम से कैरी कर सकते हो। और इसके प्राइस की बात करें तो बहुत ही कम रेट है इसका और क्लैम्पमीटर, क्योंकि क्लैम्पमीटर 5,000, 6,000, 10,000 तक के क्लैम्पमीटर हैं, मगर उनसे बहुत ही कम प्राइस है। आप बहुत ही आराम से इसको मंगा सकते हो। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप चेक कर लेना। बात करता हूँ इनकी क्वालिटी की, लीड की। तो लीड की क्वालिटी इज़ बेस्ट, गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इसको मैं ओपन करता हूँ, पॉलीथीन से ओपन करने के बाद इसको मैं पूरा चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है। अब मैं इसमें सेल डालता हूँ, सेल डाल के ही इसको चेक करूँगा, क्योंकि बिना सेल के ये नहीं चलेगा। तो इसको फटाफट खोल लेता हूँ मैं। मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है और सेल को मैं लगा लेता हूँ। तो अगर आप चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं काफ़ी नए नए टॉपिक्स पर काम चल रहा है। और आपका भी किसी प्रकार के कोई भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उस पर वीडियोस जरूर बनाऊंगा। तो अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो आपको चाहिए एक इलेक्ट्रीशियन को। इसमें ओम का है, सीरीज का है, वोल्टेज डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज और एम्पियर, एसी एम्पियर, ये तीनों का है। एसी एम्पियर की बात करें 400 एम्पियर से लेकर 200 एम्पियर तक है, और इसमें होल्ड का ऑप्शन भी है। तो अब हम चेक करेंगे वोल्टेज। तो वोल्टेज सिंगल फेज तो और कोई चेक करके दिखाता है क्लैम्पमीटर से, मैं थ्री फेज से स्टार्टिंग करूंगा। थ्री फेज को चेक करेंगे हम। तो हमने वोल्टेज पे जैसे सेट किया तो डिस्प्ले पे एसी लिखा हुआ आ गया, एसी वोल्टेज आपको दिख रहा होगा, ये एसी वोल्टेज लिखा हुआ आ गया। तो और ये जो है पैनल है, पैनल में 4 पोल की एमसीबी लगी है, एक न्यूट्रल और 3 फेस हैं। तो हम उसमें चेक करेंगे इस क्लैम्पमीटर को। तो ये हमने लगाया डबल फेस में, तो देख सकते हो डबल फेस कितना आ रहा है इस समय, 413 वोल्टेज आ रही है इस समय करंट, 413। अब ने फिर फेस चेंज किया तो 414 वोल्टेज आ रही है। अब हम सिंगल फेस करते हैं न्यूट्रल और फेस, तो देख सकते हो 236 वोल्ट आया। तो इस तरीके से वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज का भी फीचर्स ठीक है इसमें। अब हम आपको इसमें एम्पीयर चेक करके दिखाएंगे। ये तो अभी वोल्टेज ही चेक कर रहा हूँ डबल फेस में, देख सकते हो आप। एम्पियर कैसे चेक करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को एम्पियर चेक करना नहीं आता। तो एम्पियर बहुत ही इजी तरीका होता है चेक करने का, जो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जो गोल मुंह है उससे एम्पियर चेक होते हैं। जो नए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब ने लीड को निकाल दिया, लीड से एम्पियर चेक नहीं होता है। तो ये वायर्स हैं जो ऊपर की लोड के लिए जा रही है। तो इस समय जो एम्पियर है 3.64 एम्पियर लोड चल रहा है इस समय, वो कहीं किसी रूम के सर्किट का है, एक सर्किट है। हमने एम्पियर चेक कर लिया, वोल्टेज चेक कर लिया। ये जो है क्लैम्पमीटर, जैसे कि सीरीज चेक करनी है या कंटिन्यूटी बोलते हैं जिसको, तो सीरीज चेक करनी है तो उसको भी हम कर सकते हैं। इसमें है सीरीज का। हाँ एक चीज मैं आपको और बताया था, अगर आपने डीसी वोल्टेज पर सेट किया हुआ है और आप एसी वोल्टेज चेक कर रहे हो तो आपका क्लैम्पमीटर खराब हो जाएगा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, जो चीज़ हमने चेक करनी है उसी पर ही क्लैम्पमीटर सेट होना चाहिए, नहीं तो क्लैम्पमीटर खराब चाहे
5,000 हो या 10,000 का, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो देख सकते हो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक करें, यानी कि सीरीज चेक कर रहे हैं। सीरीज जैसी चेक करते एक बज़र की आवाज़ आती है, तो इसमें एक मेन है, तीन लीडों वाला है, तो एक मेन है, मेन में जैसे लगाएंगे तो तीनों लीडें आपस में बोलेंगी। तो इस तरीके से इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, तो काफ़ी अच्छा है, प्राइस भी कम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर लेना। और काफ़ी और भी टूल्स के लिंक है, अगर आपको खरीदने जो हम टूल्स यूज़ करते हैं उसके ही लिंक है, तो आप ज़रूर मंगा लेना।